नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो सीरीज में अभी इस क्रम में हम लोग सिख धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले जो वीडियो आई थी उसमें सिख धर्म के उदय कैसे हुआ था और सिख गुरुओं के इतिहास के बारे में देखा था, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देखा था, और आज हम लोग इसी क्रम को जारी रखते हुए आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे दो आंग्ल सिख युद्ध हुए थे उसी दोनों युद्ध को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चूंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह के समय में, जो कि बहुत ही योग्य शासक थे, बहुत ही दूरदर्शी शासक थे और बड़ा ही पराक्रमी शासक थे, तो उसके समय में अंग्रेज महाराजा रंजीत सिंह से सतलज नदी के इस पार और उस पार की एक संधि होती है, जिसको हम लोग अमृतसर की संधि से जानते हैं, और अमृतसर की संधि में ये हुआ था कि सतलज नदी के पूर्व में अंग्रेजों का शासन रहेगा और सतलज नदी के पश्चिम में महाराजा रंजीत सिंह का शासन रहेगा। लेकिन उस समय तक अंग्रेज काफी मजबूत स्थिति में पहुंच रहे थे और भारत के अन्य हिस्सों पे, बहुत सारे जगहों पे वो अधिकार कर चुके थे, और उनकी नजर बराबर पंजाब के क्षेत्र पे बनी हुई थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के भय के कारण वो पंजाब पे कभी आक्रमण नहीं किया। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों का वो भय खत्म हो गया और वो हमेशा पंजाब को हड़पने के स्थिति में कुछ न कुछ ऐसा काम करते जिससे जो वहां का पंजाबी शासक थे वो दुखी रहते थे। और हम जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो उसके पुत्र खरक सिंह आए, उसके बाद जो छोटे एक अल्पेश शासक दलीप सिंह को बनाया गया, और उन जिनकी संरक्षिका जिंद कौर थी, उसी के निरीक्षण में पंजाब का शासन चल रहा था। क्योंकि दलीप सिंह को 1843 में राजा बनाया गया था, जो कि बहुत ही अल्पवयस्क थे। उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज को एक मौका मिला था और वो सिंध क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहे जिससे क्या हो रहे थे कि पंजाब का जो शासक था दिलीप सिंह और उसके जो दरबारी थे, उनके जो शासन प्रबंधन थे, उनको दिक्कतें हो रही थी अंग्रेजों से। तो इसी क्रम में पंजाबी सेना ने भी अंग्रेजों को जवाब देने का मन बना लिया, और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया तो 1845 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह से और उसकी जो महारानी संरक्षिका थी जिंद कौर, उससे राज आज्ञा लेकर के सतलज नदी के पूर्व में आक्रमण कर दिया। और अंग्रेज इसी के इंतजार में थे कि कब ये लोग गलती करें और हम इनका जो राज्य है वो हड़प ले, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अब पंजाब के जो शासक हैं वो इतने मजबूत नहीं रहे हैं, सिख इतने मजबूत नहीं है, अब हम उसको आसानी से हरा सकते हैं। तो यही हमने लिखा है कि आंग्ल सिख युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था, उसका भूमिका कैसे तैयार हुआ। तो 1843 में अंग्रेजों द्वारा सिंध पे अधिकार कर लिया गया, जब महाराजा दिलीप सिंह छोटे थे और उस समय वो बने ही थे, तथा रंजीत सिंह के भय समाप्त हो जाने से अंग्रेज पंजाब पे अधिकार के ताक में थे, और यही उसका अवसर जो है पंजाबी सेना, सिख की सेना ने उन्हें दिया। कब दिया, तो कारण क्या रहा इसमें, तो पंजाब की सेना दिलीप सिंह से राज आज्ञा के पश्चात सतलज के पूर्व में आक्रमण कर दिया, कब, 1845 में, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का शुरुआत हो गया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि सिख बुरी तरह से पराजित हुए, और पराजित हुए तो कैसे हुए, तो उसमें चार युद्ध लड़े गए इस युद्ध के क्रम में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में चार जगह पे युद्ध लड़े गए, कहां कहां पे, तो मुदकी में 18 दिसंबर 1845 को, फिरोज शाह में 21-22 दिसंबर को 1845 में, अलीवाल में 28 जनवरी 1846 को, और मुबारहन में 10 फरवरी 1846 को। इस चारों युद्ध में सिख जो है वो बुरी तरह अंग्रेजों से पराजित हुआ, और साथ ही अंग्रेज क्या किया तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। अब जब इतने युद्ध में सिख जो है वो पराजित हो गए और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भी उसने अंग्रेजों से खो दिया, तो फिर सिख जो सेना जो थी वो एक संधि करने पे विवश हो गई, जिसे लाहौर की संधि के रूप में जानते हैं। तो यही हमने लिखा कि तब सिखों को लाहौर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यही सिख आंग्ल, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। तो अब लाहौर की संधि में क्या शर्तें रखी गई, चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप सिख को सिख क्यों लिखते हैं, जैसे सिख भी होते हैं और हिंदी में इसको सिख भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं,
अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली सिख क्या है कि जब सिख धर्म की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिख, सिख का मतलब होता है शिष्य, वैसा शिष्य जो अपने गुरुओं की शिक्षा और उसके लेखन का अनुसरण करे, इसी से यह शब्द आया था, सीखने से सिख बना और उसका मतलब शिष्य था, तो इसी से इसको हम सिख भी लिख सकते हैं और इसको बाद में चल के कभी कभी सिख भी लिखा जाता है। तो ये दोनों शब्द इक्वली करेक्ट है, ये दोनों शब्द को यूज हम सिख के लिए कर सकते हैं, इसमें दोनों में कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि आप सिख को सिख क्यों लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 ईस्वी में लगाया गया, 1846 ईस्वी में लगाया गया, तो उसमें अब लाहौर संधि में क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला जो प्रावधान था, तो दलीप सिंह को सतलज के दक्षिण का प्रदेश, सतलज ब्यास नदी के द्वाब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान करना पड़ा। अब क्या हुआ कि क्योंकि अंग्रेज तो सारे जीत चुके थे, तो सतलज नदी के जो दक्षिण के प्रदेश थे जहां पे सिख के शासक का अपना अधिकार था, अधिपत्य था, वो भी हरियाणा में अंग्रेज को देना पड़ा। और जो सतलज और ब्यास नदी, क्योंकि तो आप नक्शे में देखे होंगे दोस्तों, ये सतलज नदी है और ऊपर से ब्यास नदी जाता है, ये दोनों नदी के बीच के क्षेत्र को, नदियों के बीच के, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। तो सतलज और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र जो था, जो काफी उपजाऊ का क्षेत्र था, तो वो वहां के जितने प्रदेश थे और दुर्ग थे, वो भी सब जो है वो दिलीप सिंह को, अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके साथ ही सिख सेना में भारी कटौती कर दी गई और उसके बदले अंग्रेजी सेना को रखा गया पंजाबी सेना में, कि पंजाब के शासन में अंग्रेजी सेना को बढ़ाया गया और सिख सेना में कटौती कर दी गई, मतलब सिख जो वहां पे थे उसको बाहर निकालते गया ताकि अंग्रेज उस पर अपने ज्यादा से ज्यादा अधिकार कर सके, उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभुत्व जमा सके, उस पर ज्यादा से ज्यादा निगरानी रख सके। तथा लाहौर में अंग्रेजी रेजिडेंट को भी नियुक्त कर दिया गया, अब अंग्रेजों की तरफ से एक अंग्रेजी रेजिडेंट लाहौर में नियुक्त कर दिया गया जो कि सिखों के शासन प्रबंधन को निगरानी करता था और इसका रिपोर्टिंग वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करता था। तो एक अंग्रेजी रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया गया कहां पे, लाहौर में। तथा अंग्रेजी सेना अब निर्बाध रूप से पंजाब में विचरण करने का अधिकार मिल गया। अब क्या हुआ, तो पहले पंजाबी सेना, अंग्रेजी सेना को पंजाब में यहां यत्र तत्र घूमने का अधिकार नहीं था, जो कि इस संधि में दे दिया गया कि अब अंग्रेज की जो सेना है वो पंजाब में कहीं भी स्थान पे अपनी मर्जी से घूम सकती है, पेट्रोलिंग कर सकती है, देख रेख कर सकती है, अगर उसको लगेगा कि कहीं कंपनी के कार्यों में नुकसान हो रहा है तो वहां पे वो उसका नियंत्रण भी कर सकती है। तीसरा पॉइंट था कि पंजाब में अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी और यूरोपीय को नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत में केवल हमारा ही शासन प्रफुल्लित हो और कोई और यूरोपीय जैसे कि फ्रांसीसी या डच, जिसको उसने पुर्तगाली सुमार के भगाया था, तो फिर से वो ना आकर के वहां पे जमने लगे, इसीलिए ऐसा रूल बना दिया कि पंजाब में अंग्रेज को अलावे किसी और यूरोपीय व्यक्ति को नौकरी भी नहीं दी जाएगी सिख के शासन में। चौथा क्या था कि दलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया, जो सिख शासन था उसका महाराजा दिलीप सिंह को स्वीकारा गया अंग्रेजों की तरफ से, और जिंद कौर को उनका संरक्षिका बनाया गया क्योंकि दलीप सिंह बहुत ही छोटे और बालक ही थे, और लाल सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई। अब चूंकि पूरे पंजाब के अलावा उसकी राजधानी अब लाहौर तक ही सिमट गई और लाहौर से ही शासन व्यवस्था कंट्रोल दलीप सिंह करने लगे, तथा ब्रिटिश गवर्नर जनरल उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया, और जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के, वो कहा कि आप लाहौर से अपना शासन चलाइए, मैं आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ये केवल आश्वासन दिया। लेकिन जैसे ही रेजिडेंट उन्होंने रखा था तो उससे यही साबित हो रहा था कि वो चूंकि उनके शासन प्रबंधन को निगरानी करता, तो ये बातें हो ही नहीं पा रही थी कि उनके शासन प्रबंधन में जो अंग्रेज दखल ना थे। तो ये मामला, ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट बातें थी कि अंग्रेज के रेजिडेंट को रखना भी उसके लाहौर में और उसके दरबार में, और दूसरा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये जो संधि थी इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि इस संधि को ना अंग्रेज के द्वारा और ना ही पंजाब के शासक दलीप सिंह के द्वारा निभाया जा रहा था, इसीलिए इस संधि के बाद एक और संधि अंग्रेजों ने जान बूझ करके सिख शासक पे सौंपी, जिसे भैरोबाल की संधि कहा जाता है, जो कि 12 दिसंबर 1846 ईस्वी को कराया गया, जिसमें अंग्रेज ने संपूर्ण पंजाब पर अपना
अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब भैरव बाल की संधि में ऐसा अंग्रेज ने शासन व्यवस्था एक संधि की जिसके कारण से अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर के कंपनी का ही शासन अब पंजाब पे हो गया। तो यही था फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध और उसके संधियां दोस्तों। तो एग्जामिनेशन में यही पूछता है कि फर्स्ट आंग्ल युद्ध कब से कब हुआ था और इनके क्या क्या संधि रही थी। इनमें दो संधि हुई थी, एक लाहौर की संधि और एक भैरवाल की संधि। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि भैरवाल की संधि और लाहौर की संधि इतनी अपमानजनक थी सिखों के लिए ताकि उसे पचा पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था और इसी कारण से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अंग्रेजी सेना में भारी कटौती की गई जिससे क्या हो गया, बेरोजगारी सिखों में बढ़ती चली गई, उनके परिवार में विक्षोभ अंग्रेजों के प्रति बढ़ने लगा और विद्रोह का एक रूप जन्म लेने लग गया। तो इसी कारण सबसे दूसरे आंग्ल युद्ध लड़ा गया। तो चलिए देखते हैं दूसरे आंग्ल युद्ध को। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 को लड़ा गया था और मैंने आपको बताया था इसका रीजन। तो क्या रीजन था, तो लाहौर और भैरवाल के सिखों की अपमानजनक संधि जो कि सिखों को हजम करना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसमें बहुत सारा उनपे प्रतिबंध सिखों पे लगा दिया गया था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि सिख सैनिकों के सेवानिवृत्ति से सैनिकों और राज परिवारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र, सिखों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र चालू हो गया था जिसके कारण से क्या हुआ था, तो अप्रैल 1848 को दो अंग्रेजी अधिकारी की हत्या सिखों द्वारा कर दी गई और ये घटना 1848 से चलता रहा। तो इसी क्रम से जब 1848 में दो अंग्रेजी अधिकारी की अंग्रेज सिखों द्वारा हत्या कर दी गई और इसी को रिटेलिएट करते हुए अंग्रेज भी सिखों पर आक्रमण करते रहे तो छिटपुट हिंसा चलती रही और युद्ध आंग्ल 1848 ईस्वी में सिख आंग्ल युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये घटना जब चलती रही तो अंत में क्या हुआ कि 21 फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंग्रेज और सिख आमने सामने हो गए और सिखों को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। यही हमने लिखा कि अंत में 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरह पराजित कर दिया। वैसे तो सिख ने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और अंग्रेज को ये चीज और सबक सिखा दिया कि इतना आसान नहीं था सिखों को हरा पाना। साथ में अंग्रेज ये भी इस युद्ध में आंग्ल सिख युद्ध में सीखा कि कैसे जलवायु को भी ध्यान में रख के युद्ध करना चाहिए क्योंकि जो उत्तर पश्चिम पंजाब साइड की जलवायु थी वो सिखों के लिए काफी सूट करती थी और अंग्रेज को लिए इतना सूट नहीं करती थी, लेकिन अंग्रेज के पास इतने शस्त्र, मॉडर्न तरह के शस्त्र अस्त्र थे जिसके सामने सिख टिक नहीं पाए। तो इसी कारण से गुजरात युद्ध में 21 फरवरी 1849 को सिख पूरी तरह से हार गया और सिख शासन की समाप्ति हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी की जो हड़प नीति आई थी जिसमें यह था कि जहां पे वैसा राज्य जहां पे एक कोई योग्य शासक नहीं राज करता हो और जिस राज्य में अराजकता फैला हुआ हो उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा वहां के शांति और सुव्यवस्था के लिए। तो इसी नीति का प्रयोग करते हुए डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया क्योंकि जो दिलीप सिंह से उनका कहना था कि राजा दिलीप सिंह से पंजाब का शासन नहीं संभाला जा रहा है और इसी कारण से हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, व्यक्तिगत डलहौजी की व्यक्तिगत नीति भी कहते हैं, तो यही हड़प नीति भी कहते हैं। तो इसी हड़प नीति के अंतर्गत पंजाब को ब्रिटिश राज्य में विलीन कर लिया गया और इस तरह से एक और राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ तो इसके बाद जो हुआ तो सिखों को कृपाण के अलावा किसी और शस्त्र अस्त्र रखने पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब चूंकि तो विलय हो गया, अब ये पूरा पंजाब ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश कंपनी के अंदर में आ गया, तो जितने भी सिख थे जो कि कृपाण करा कंघा और तलवार रखते थे उनको कहा गया कि आप कृपाण के अलावा कोई भी और अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं। तथा उस समय जो महाराजा दिलीप सिंह थे उसको पेंशन देकर पेंशन याफ्ता बना करके इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया, उनको छात्रवृत्ति दे दिया गया और कहा कि जाइए आप इंग्लैंड पढ़िए। फिर वहीं पे क्या हुआ तो इन्होंने जो राजा दिलीप सिंह थे वो सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया। कहा जाता है कि राजा दिलीप सिंह जो है वो रूस की यात्रा भी की और अक्टूबर 1893 ईस्वी में 1893 में पेरिस में इनका राजा दिलीप सिंह का निधन हो गया जिनकी अंत्येष्टि जो है इंग्लैंड में उनकी अंत्येष्टि हुई। इस तरह से सिख साम्राज्य का पूरा समापन हो गया। ठीक है दोस्तों, और पंजाब में
शासन करने के लिए जो डलहौजी थे वो तीन सदस्य क्या एक कमेटी तैयार किया। वो परिषद में क्या क्या था, तो कब हुआ था, तो 1849 ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब में शासन के लिए तीन लोगों का एक परिषद का गठन किया गया। और उस गठन का जो अध्यक्ष था वो सर हेनरी लॉरेंस थे अध्यक्ष में, और जो दो अन्य सदस्य थे वो थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रोविल। ठीक है दोस्तों, और फिर अपना ब्रिटिश अपना पंजाब पे शासन करना शुरू कर दिया। तो यही था दोस्तों सिख आंग्ल युद्ध के दूसरे युद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो करीब करीब सिख धर्म से और सिख साम्राज्य से जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने इस वीडियो हमारे जो और पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ें, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था, बी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी, सी उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, डी वे कभी भी रूस नहीं गए थे। अगर आप मेरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद दोस्तों।